इस सेक्शन में हम सीखेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। यहाँ पर एक हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला ले लेते हैं, ये वाला। और ये हाइपरबोला एक्स वाई प्लेन में कुछ इस टाइप का दिखता है। आप एक चीज़ याद रखिए कि एक्सटीरियर पॉइंट इज दैट पॉइंट फ्रॉम विच एनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द कर्व। एक्सटीरियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी कर्व पे। तो इस हाइपरबोला में अगर एक हम पॉइंट लें P इस एरिया में, इसको हम x1, y1 मान लेते हैं, तो इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस हाइपरबोला में। तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट P से, इस पॉइंट को हम P1 मान लेते हैं, तो P1 यहाँ पर एक्सटीरियर पॉइंट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू दिस हाइपरबोला। और इस पॉइंट को हम P2 ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम P3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर P2 एंड P3 हाइपरबोला के ऊपर लाई करते हैं। और अगर हम एक पॉइंट यहाँ पर ले लें और एक पॉइंट यहाँ पर ले लें, इसको हम P4 मान लेते हैं, इसको हम P5 मान लेते हैं, तो ये दोनों पॉइंट हाइपरबोला के इनसाइड लाई करते हैं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से कोई भी टेंजेंट्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि P4 एंड P5 आर इंटीरियर पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस हाइपरबोला। तो अगर किसी पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं तो वो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट होता है, और अगर कोई पॉइंट से हम टेंजेंट्स नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं तो वो पॉइंट इंटरनल पॉइंट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू कर्व। तो हम ये चीज़ कैसे पता करेंगे कि कोई पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है, या कि कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। ये सब पता करने का भी एक तरीका है। हमने हाइपरबोला लिया है x²a²-y²b² = 1। इसको हम लिख सकते हैं x²a²-y²b² - 1 = 0। और अगर इसको हम s मान लें तो हमें s = 0 से हाइपरबोला मिल जाएगा। और अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम s1 निकाल सकते हैं। अगर x1, y1 यहाँ डाल दें तो हमें s1 मिल जाएगा, तो हो जाएगा x1² / a² - y1² / b² - 1। तो s1 का साइन हम देख के बता सकते हैं कि पॉइंट P कर्व में कहाँ पर लाई कर रहा है, कर्व के अंदर लाई कर रहा है, कर्व के बाहर लाई कर रहा है, या कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर s1 नेगेटिव मिलता है, इसका मतलब है कि पॉइंट P हाइपरबोला के आउटसाइड लाई कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, एलिप्स के केस में ये चीज़ रिवर्स था। अगर s1 नेगेटिव था तो एलिप्स के केस में पॉइंट P इनसाइड लाई करता था, पर हाइपरबोला के केस में पॉइंट P आउटसाइड लाई करेगा अगर s1 नेगेटिव होगा। तो हाइपरबोला और एलिप्स के केस में ये चीज़ें उल्टी होती हैं। और अगर s1 पॉजिटिव मिलता है तो P लाइज इनसाइड द हाइपरबोला। और अगर s1 जीरो मिलता है, इसका मतलब है कि P हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट में एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। एक हाइपरबोला का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस हाइपरबोला को हम लिख सकते हैं x²/3² - y²/2² - 1 = 0। इसको हम s मान लेते हैं। एक हमें पॉइंट दिया हुआ है P 1, 2, इसको हम x1, y1 मान लेते हैं। और अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम s1 निकालें, तो s1 निकालने के लिए x1, y1 यहाँ डाल दीजिए, तो आपको मिलेगा x²/9 - y²/4 - 1। यहाँ पर x1 की जगह 1 है, y1 की जगह 2 है, तो यहाँ डाल दीजिए तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -17/9। तो हमें s1 मिल गया -17/9। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टर्म नेगेटिव है, तो हमें s1 नेगेटिव मिल गया। और अगर s1 नेगेटिव होता है, इसका मतलब है कि पॉइंट P हाइपरबोला के आउटसाइड लाई कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।